भारतीय जनता पार्टी के व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष विनीत सारदा ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना भगवान श्री राम से कर डाली। वह तुलना करते करते यही नहीं रुके, बल्कि देश के गृह मंत्री की तुलना उन्होंने भगवान लक्ष्मण और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तुलना उन्होंने भरत के रूप में की। साथ ही पी चिदंबरम को उन्होंने रावण बता दिया, तो आजम खां के लिए कहा कि उन्हें प्रदेश और देश में रहने की जगह ही नहीं मिलनी चाहिए, उन्हें तो पाकिस्तान में ही जगह मिलनी चाहिए। अब तक सरकार ने उन्हें पागलखाने क्यों नहीं भेजा? मेरी समझ में नहीं आ रहा। प्रदेश अध्यक्ष विनीत सारदा एक निजी प्रतिष्ठान में पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे। उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष हिमांशु मित्तल व अन्य व्यापार प्रकोष्ठ के पदाधिकारी भी मौजूद थे। देखिए, माँ बताती है ये आपके दादा हैं, ये आपकी दादी हैं, ये आपके चाचा ताऊ हैं, ये आपके पिता हैं। हमने भगवान राम को नहीं देखा, बस हमें सब सीखा बकाया, ये भगवान राम है, ये लक्ष्मण है। हमने देखा पिछले कुछ समय से एक देवता का जन्म हुआ जिन्होंने भारत को विश्व पटल पर नाम को ऊंचा किया, तो मुझे लगता है भगवान राम के रूप में मोदी हैं तो लक्ष्मण के रूप में अमित शाह हैं और भरत के रूप में उत्तर प्रदेश के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और 130 करोड़ जनता, ये हनुमानी रूपी जनता है। यह जब हनुमानी रूपी जनता ने, जब हनुमान जी लंका पर चढ़ाई को गए थे तो हनुमान को अपनी ताकत का अंदाजा नहीं था। जब वो लंका पर चढ़ाई को जा रहे थे तो वो बोले मैं कैसे जाएंगे इतने, आपको याद होगा, तो उसको उनको उनकी ताकत बताई गई, तो एक एक पत्थर पर श्री राम जब लिख कर डाला गया तो कितने घंटों में पुल बन गया, सताई हुआ हम लंका पर चढ़ाई कर गए। इसी प्रकार से जब 130 करोड़ देवतुल्य जनता को 2014 में और 2019 में और 2022 में उत्तर प्रदेश में आने वाले की बात कर रहा हूँ जो बीत गया 2014 और 2019 में, जिस प्रकार से हनुमानी रूपी जनता ने मन मनाया, उन्हें अपनी ताकत का एहसास कराया, तो मोदी जी को प्रधानमंत्री बना के पहले और दूसरी बार दिखा दिया कि देश में आज अगर कोई पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी, जो सबका साथ सबका विश्वास सबके विश्वास को लेकर चलती है। इसलिए मैं कहता हूं कि दिव्य शक्ति के रूप में अगर कोई उभरा है, ये ग्रंथों में लिखा हुआ है कि भारत में कलयुग में एक दिव्य शक्ति का अवतार होगा और वो दिव्य शक्ति के अवतार के रूप में मोदी जी हुए हैं, तो इसलिए मैं कहता हूं तो राम के रूप में मोदी, लक्ष्मण के रूप में अमित शाह और यो भरत के रूप में योगी और 130 करोड़ जनता, ये हनुमानी रूपी जनता है और पी चिदंबरम जैसे लोग जो रावण रूपी लोग हैं, इनके रावण का नाश करने के लिए राम का जन्म हुआ था, इसलिए रावण रूपी इस जैसे लोगों का खत्म करने के लिए राम का जन्म हो चुका। आजम खान उसको तो खुद ही है भाई पगला गया, उसको तो पागल है वो आदमी, उसको तो आगरे भेज देना चाहिए। आगरे नहीं भेजा, क्यों नहीं भेजा अभी तक मेरे समझ में नहीं आ रहा। जो जो देश की देवी देवताओं का अपमान करता हो, जो बहन बेटियों का अपमान करता हो, जो भारत माता को जिन्हें डान किया हो, जो कहता हो उसके पुरखों से गलती हो गई कि उनको भारत में रहा, तो उसको किस पे विश्वास है? आजम खां को सोचना चाहिए, विचारना चाहिए कि तुम्हारे से क्या गलती हुई, आजम खां के डीएनए में क्या खोट था। आजम खां जैसे लोगों की जगह भारत में नहीं है, मेरे ख्याल से पाकिस्तान भी उसको लेगा नहीं।